चलिए आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कुछ अच्छे, कई ढेर सारे फूलों के नाम। बच्चों, इन सभी फूलों को हम लोग ध्यान से देखेंगे और इनके इंग्लिश नामों को याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फ्लावर से। बच्चों, यह कौन सा फ्लावर है, गेस करिए। हाँ, यह गुलाब का फूल है। गुलाब के फूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ROSE, रोज। रोज मीन्स गुलाब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फ्लावर की तरफ। अगला फ्लावर है, हाँ, यह सूरजमुखी है। सूरजमुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए पढ़ते हैं। SUNFLOWER, सनफ्लावर। सनफ्लावर मीन्स सूरजमुखी। चलिए नेक्स्ट फ्लावर की तरफ। इसे तो आप सभी लोग जानते होंगे। हाँ, बिल्कुल सही, यह कमल का फूल है। कमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। LOTUS, लोटस। लोटस मीन्स कमल। आपका नेक्स्ट फ्लावर है MARIGOLD, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड मीन्स गेंदा, गेंदे का फूल। आप लोगों ने देखा है, घरों में होता है इस तरह का, काफी सुगंधित होता है। नेक्स्ट फ्लावर है MAGNOLIA, मगोलिया। मैगोनिया में चंपा, यह चंपा का फूल है। अच्छा लग रहा है ना बच्चों? अगला फ्लावर है MOGRA, मोगरा। मोगरा मीन्स मोगरे का फ्लावर। यह काफी सुगंधित होता है। इसके पेड़ छोटे छोटे होते हैं और झाड़ी नुमा या फैल के इसके फूल खिलते हैं। आप लोगों ने इसे देखा होगा। नेक्स्ट फ्लावर है JASMINE, जैस्मिन। जैस्मिन मीन्स चमेली। ये चमेली का फ्लावर है बच्चों, देखा है आप सबने। नेक्स्ट फ्लावर है, नहीं, यह कमल नहीं है, यह कमल के जैसा ही है, पर इसका नाम WATER, वाटर। LILY, लिली, वाटर लिली। वाटर लिली मीन्स जल कमल। इसे वाटर लिली फ्लावर कहते हैं। वाटर लिली के पत्ते ऐसे होते हैं, फूल ऐसे होते हैं, और कमल के ऐसे होते हैं। कमल के इसके पत्ते चौड़े होते हैं और इसका कलर भी पिंक या हल्का रेड होता है, जबकि वाटर लिली यानी जल कमल का कलर व्हाइट होता है, यह व्हाइट तरह का कमल होता है। नेक्स्ट फ्लावर है DHLIA, डहलिया। डहलिया मीन्स डेलिया, यह डेलिए का फूल है। कितनी अच्छी डिजाइन है ना इसके फूलों पे, देखिए बच्चों। आपका नेक्स्ट फ्लावर है TIGER, टाइगर। LILY, लिली। टाइगर लिली। टाइगर लिली मीन्स कुमुदनी। यह कुमुदनी का फूल है, गांव में अक्सर इसे पाया जाता है। इस फ्लावर के जो पंखुड़ियां हैं काफी चिपचिपे होते हैं और हाथों में कलर के जैसा लग जाता है। नेक्स्ट फ्लावर है GLOXINIA, ग्लोक्सीनिया। ग्लोक्सीनिया मीन्स ग्लोक्सीनिया। इस फ्लावर को ग्लोक्सीनिया कहते हैं। इसके जो फूल हैं ये हल्के बैंगनी कलर के होते हैं और इसके पंखुड़ियां काफी रेड कलर और ब्लैक कलर के जैसे होते हैं। इसके पत्तों पर ऐसी धारदारियां होती हैं। बच्चों, इसे कौन सा फ्लावर कहते हैं?
ग्लो किसीनिया नेक्स्ट फ्लावर है बी ओ यू जी ए आई एन बोगन वी आई डबल एल ई ए विले बोगन विले। यह कौन सा फ्लावर है? ब्लोगन विले। बच्चों यह कांटेनुमा पेड़ होता है, इसमें छोटे छोटे रेड रेड कलर के इस तरह से फ्लावर आते हैं। यह अक्सर दीवारों पे चढ़ के फूल लेता है, आप लोगों ने इसे देखा होगा। नेक्स्ट फ्लावर है सी ए एन एन ए कैना। कैना मीन्स केना, यह केने का फ्लावर है, इस तरह से होता है। बच्चों देखा होगा आप लोगों ने यह फ्लावर। नेक्स्ट फ्लावर है जेड आई एन एन आई ए जीनिया। जीनिया मीन्स जीनिया, यह जीनिया का फ्लावर होता है, कुछ इस तरह से हल्के पीले कलर में और रेड कलर में इसकी पत्तियां ऐसी होती हैं, है ना मजेदार फ्लावर। नेक्स्ट फ्लावर है डी ए आई एस वाई डैसी। डैसी मीन्स गुलेबहार, इसे डैसी का फ्लावर या हिंदी में गुलेबहार भी कहते हैं। नेक्स्ट फ्लावर है ए डबल एल ए एम ए एन डी ए एलमंडा। एलमंडा मीन्स एलमंडा का फ्लावर, गांव में इसे कनेर भी कहते हैं। देखा है ना आप लोगों ने इसका फूल? हाँ बिल्कुल वही। नेक्स्ट फ्लावर है पी ए एन एस वाई पैंसी। पैंसी मीन्स गुलशोषण, यह गुलशोषण का फूल है, ऐसे होते हैं। इसके तीन कलर पाए जाते हैं, येलो रेड हल्का बरगंडी एंड ब्लू। नेक्स्ट फ्लावर ये इसका क्या नाम है बच्चों? डी ए डबल एफ ओ डी आई एल डैफोडिल। डैफोडिल मीन्स पीला नरगिस, इसे डैफोडिल और हिंदी में पीला नरगिस भी कहते हैं। इसकी सुगंध बहुत ही प्यारी होती है, इसकी सुगंध के बहुत सारे परफ्यूम भी मार्केट में आते हैं। नेक्स्ट फ्लावर है आई एर आई एस आई आर आई एस आयरिस। इसे आयरिस का फ्लावर कहते हैं, आयरिस मीन्स आयरिस। है ना कुछ नए नए फूल आपको देखने को मिल रहे हैं बच्चों, अच्छे लग रहे हैं? चलिए चलते हैं नेक्स्ट फ्लावर की तरफ। नेक्स्ट फ्लावर है ये, जी हाँ आपने इसे देखते ही आपने पहचान लिया होगा। बच्चों इसे गांव में गुड़हल का भी फूल कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? चलिए पढ़ के देखते हैं। एच आई बी आई एस सी यू एस हिबिस्कस। इसे इंग्लिश में हिबिस्कस कहते हैं, हिबिस्किस कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फ्लावर की तरफ। नेक्स्ट फ्लावर है कुछ इस तरह से, हल्का लोटस की तरह यह दिखने में लग रहा है, पर यह लोटस नहीं है बच्चों। इसका नाम है टी यू एल आई पी ट्यूलिप। ट्यूलिप मीन्स नलनी, इसे नलनी का फ्लावर कहते हैं और इंग्लिश में ट्यूलिप कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फ्लावर की तरफ। नेक्स्ट फ्लावर है कुछ इस तरह से, यह भी काफी सुगंधित होता है और इसके फूल हफ्तों तक सूखते नहीं है पेड़ से तोड़ने के बाद। चलिए जानते हैं इसका क्या नाम है। टी यू बी ई आर ओ एस ई ट्यूब रोज। ट्यूब रोज, ट्यूब रोज मीन्स रजनीगंधा। बच्चों इस फ्लावर को रजनीगंधा कहते हैं। नेक्स्ट फ्लावर है ए एन टी आई डबल आर एच आई एन यू एम एंटी राइनम। यह दो कलर में होता है, एक येलो और एक हल्का रेड कलर, इसे क्या कहते हैं? एंटी राइनम। नेक्स्ट फ्लावर है, यह कौन सा फ्लावर है? चलिए जानते हैं इसका नाम। सी एच आर वाई एस ए एन टी एच ई एम यू एम क्रिसैंथियम।
इसका नाम है इंग्लिश में क्रिसेंथियम। बच्चों इसे हिंदी में गुले दाऊदी भी कहते हैं। यह गुले दाऊदी का फ्लावर है। नेक्स्ट फ्लावर है, हाँ इसे तो आप लोग देखे ही होंगे, पतले पतले पेड़ों के साथ दो कलर में इसके फूल देखने को मिलते हैं, एक ब्लू और एक पिंक कलर का। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ASTER, एस्टर। एस्टर मीन्स तारक पुष्प। इसे तारक का फूल भी कहते हैं। नेक्स्ट फ्लावर है, जी हाँ बच्चों, यह तालाब में, नदियों में इस तरह के फूल पाए जाते हैं। इसका नाम है NASTURTIUM। नेस्टुरियम मीन्स जलकुंभी। यह जल में पाया जाता है और इसके तने काफी लंबे लंबे होते हैं, घास की तरह फैले होते हैं, इसलिए इसे जलकुंभी लता भी कहते हैं। नेक्स्ट फ्लावर है, हाँ कुछ इस तरह से, इसको क्या कहते हैं? PETUNIA, पेटियोनिया। इसको कहते हैं पेटियोनिया। यह पेटियोनिया का फ्लावर है। कुछ इस तरह से इसके पत्ते और फ्लावर होते हैं। नेक्स्ट फ्लावर है POPPY, पॉपी। पॉपी मीन्स पोस्ता। यह पोस्ता का फ्लावर है बच्चों। दिखने में काफी मनोहर होता है और इसके पेड़ बिल्कुल गुड़हल के जैसे होते हैं। गुड़हल कौन सा फ्लावर होता है? बिल्कुल इसके जैसे पेड़ पाए जाते हैं पोस्ता के भी। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने इस वीडियो में खूब ढेर सारे रंग बिरंगे फूलों के बारे में पढ़ाई को किया है। अब आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और इस फ्लावर के नाम को याद करने की कोशिश करें और आसपास में अपने फ्लावर्स के नाम को भी इकट्ठा करें और उनसे यह भी लिखें कि क्या आपने जो इस वीडियो में देखा है, क्या ये वही फ्लावर है, और उनके नाम को याद करने की कोशिश करें। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।